देश के कुछ राज्यों में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। वहीं कुछ राज्यों में उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में पिछले दो दिनों से हुई भारी बरसात के चलते बाढ़ आ गई, वहीं रोड ब्लॉक हो गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछले दो महीने में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 73 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली में सोमवार को उमस भरी गर्मी पड़ी। यहां बारिश का दौर अब 15 अगस्त के बाद ही सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि बीच में 12 अगस्त को कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। वहीं बिहार के मौसम विभाग ने भोजपुर, जहानाबाद सहित 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पटना, मुजफ्फरपुर सहित बाकी 19 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इस दौरान पूरे प्रदेश में उमस भरी गर्मी भी बनी रहेगी। वहीं बिहार में फिलहाल अगले 48 घंटे हल्की बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बारिश के बीच मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड की चपेट में आ गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, पालघर में अलग अलग जगह पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अंधेरी मेट्रो में 2 फीट तक पानी जमा होने से वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के चलते रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर पानी भरने से आवागमन ठप हो गया है। तो वहीं गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना बताई है। वहीं राष्ट्र के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में अब तक सीजन की 76% बारिश हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।